हरे कृष्णा। अभी इस वक्त कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है, ये रहेगा आज का टॉपिक। दो डेक है, दोनों में से लेंगे 9 कार्ड्स और साथ ही साथ इस ओरेकल में से लेंगे हम एक मैसेज उनके जज्बातों को और अच्छी तरीके से जानने के लिए। जैसा कि ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, जिस वजह से हो सकता है कुछ कार्ड्स आपके साथ रेजोनेट करें, क्योंकि ये पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो जो रेजोनेट हो रहा है उसी की तरफ ध्यान देना है, जो नहीं रेजोनेट हो रहा उसको लेट गो करना है। तो शुरुआत करते हैं कार्ड शफल करके। पहला ही जो कार्ड मिला है वो है 4 ऑफ सॉर्ड्स। एयर साइन है जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। जैसे यहाँ पे बर्फ में ये सॉर्ड अंदर तक चली गई है और ये छोटी सी गिलहरी देख रही है, यहाँ पे आसपास कोई खतरा तो नहीं है। वैसे ही मोस्टली ये कार्ड जो होता है वो मैनिफेस्टेशन के लिए काउंट किया जाता है। तो कहीं ना कहीं आपके ही ख्यालों में खोए हुए हैं, थोड़ा सा डर सता रहा है शायद आपको खोने का, क्योंकि शायद इनके इर्द गिर्द की कुछ बातें ऐसी हो रही है जो इनके फेवर में नहीं है, जिस वजह से अपने दिल की बातें करना तो चाहते हैं, बताना चाहते हैं, अपने मन में जो भी डर है, जो भी ख्याल सता रहे हैं उनको शेयर करना चाहते हैं। लेकिन जैसे यहाँ पर सभी सॉर्ट के नुकीले सिरे अंदर बर्फ में हैं, वैसे ही कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम है। या तो आप दोनों बातचीत नहीं कर रहे हैं या फिर ये आपको अपने दिल की बातें बता नहीं पा रहे हैं। फिर है द मून। पाइसिस का कार्ड है, आपका या उनका साइन हो सकता है। जैसे यहाँ पे ये चांद पे बैठी हुई है, ये सिर्फ इमेजिनेशन है, रियल में तो आपको पता ही है असलियत क्या होती है, लेकिन कहीं ना कहीं चांद के कंपैरिजन में आपको कंपेयर करते हैं, मतलब उनकी दुनिया के अंधेरे, मतलब जिस अंधियारी दुनिया में वो उनका दिल फंसा है वहाँ पे रोशनी लेके अगर कोई आ सकता है तो वो है आप। और आपको चांद की रोशनी की तरह ये फील कर रहे हैं, मतलब अपने ज़िंदगी में एक लाइट मानते हैं और उम्मीद भी है उनको कि इस अंधेरे से वो निकल के आप तक ज़रूर पहुँचेंगे या फिर आपको पालेंगे। फिर है द व्हील। समय को लेके काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं, जैसे अभी रात का वक्त है, इनसे ये समय काटे नहीं कट रहा है। आने वाले पलों के बारे में शायद सोच रहे हैं, शायद पिछले कुछ लम्हों के बारे में भी सोच रहे हैं, जो भी आप दोनों के बीच में अब तक के बीते हुए लम्हे हैं, मुलाकातें हैं, उनके बारे में सोच रहे हैं। और राइट नाउ तो ये वक्त उनको शायद यही एहसास दिला रहा है कि वो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। फिर है क्वीन ऑफ वैंड्स, फायर साइन एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। यहाँ पे जैसे मुस्कुरा रही है वैसे ही शायद आपका चेहरा इनकी नज़रों से नहीं हट रहा। अगर आप दोनों की कोई साथ में प्यारी सी तस्वीर है तो उसको देख के ये मुस्कुराने की कोशिश कर रहे हैं और कहीं ना कहीं आपके बारे में सोचते हुए इतना ज़्यादा खोए हैं कि वक्त का उनको पता नहीं चल रहा है। फिर है सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन है टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। जैसे यहाँ पे ये पर्सन इन दोनों बच्चों को कुछ दे रहा है, जिस वजह से ये बच्चे भी खुश हैं और मैं बच्चों के लिए कुछ कर रहा हूँ, इस बात की खुशी इस पर्सन के भी चेहरे के ऊपर है। पेंटिकल्स मोस्टली रिप्रेजेंट करते हैं फैमिली को। तो यहाँ पे ये यही सोच रहे हैं कि हो सकता है आपके घर वाले या इनके घर वाले अगर आप दोनों के रिश्ते के ख़िलाफ़ हैं तो क्या उनके लिए आप दोनों की खुशी मायने नहीं रखती, वो क्यों इस तरह से बात नहीं समझ रहे कि आपकी खुशी में ही उनकी खुशियाँ हैं। मतलब बैलेंसिंग, जैसे आप दोनों अगर अपने घर वालों का ख्याल रखते हुए कोई गलत कदम नहीं उठा रहे हैं तो इनका यही
कहना है या फिर ये यही सोच रहे हैं कि घर वाले आखिर बात क्यों नहीं समझ के ले रहे हैं। फिर है प्रिंसेस ऑफ वैंड्स फायर साइन एरीज लियो या फिर सैजिटेरियस। यहाँ पे पानी भी है जो बताता है कि काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होके आपके ख्यालों में खोए हुए हैं। साथ ही साथ एक लेटर भी रखा है, मतलब काफ़ी कुछ है इनके दिल में जो शायद ये टेक्स्ट पे टाइप करने के बारे में भी सोच रहे हैं और एक लेटर सेंड करने के लिए भी यहाँ पे रखा है। तो उनका मन तो कर रहा है कि आपको मैसेज करें, और जैसे इसने हाथ में फ्लावर्स लेके रखे हैं और ये इंतज़ार कर रही हैं, वैसे ही ये अपने दिल को समझा रहे हैं कि मुझे थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए। दिल में तो काफ़ी ज़्यादा आपकी यादें हैं लेकिन खुद को समझा रहे हैं रुकने के लिए। फिर है क्वीन ऑफ कप्स वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। क्वीन ऑफ वैंड्स भी आए हैं और क्वीन ऑफ कप्स भी आए हैं जो बताता है कि आप शायद पैशन ओरिएंटेड बहुत ज़्यादा पर्सन होंगे, मतलब आपने अगर एक बार ज़िंदगी में कुछ ठान लिया है तो वो जब तक हासिल नहीं करते तब तक रुकने का नाम नहीं लेते, ऐसा थोड़ा सा आपका स्वभाव हो सकता है। और साथ ही साथ अगर क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में आपको काउंट करते हैं तो आप बहुत ज़्यादा प्यारे हैं, आप से दूर रह के ये पर्सन बिल्कुल भी खुश नहीं रह पा रहे और वो यही सोच रहे हैं कि कब मुझे ये प्यार का कप मिलेगा और मैं अपने पर्सन के साथ टू ऑफ कप की एनर्जी में जुड़ जाऊँगा या जुड़ जाऊँगी। फिर है एस ऑफ वैंड्स फायर साइन एरीज लियो या फिर सैजिटेरियस। पैशनेटली ज़िंदगी में एक नई बिगनिंग करना चाहते हैं और ये पैशन सिर्फ आप ही के लिए है, मतलब आप उनकी ज़िंदगी में आ जाएं तो इन्हें लगता है ज़िंदगी की एक नई शुरुआत होगी। और फाइनल कार्ड है टेन ऑफ कप्स वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। जैसे ये कपल है, प्यारा सा बच्चा है, कैट है, डॉग है, कंप्लीट फैमिली है, वैसे ही उनको लग रहा है कि आखिर मेरा ये सपना कब पूरा होगा जहाँ पर मैं अपनी दुनिया में अपनी खुशियों में जीऊँगा या जीऊँगी। तो राइट ना उनको नींद ना आने के पीछे की वजह तो यही है कि ये इस तरह का ख्वाब देख रहे हैं हैप्पी फैमिली का, जो फैमिली इनको रियलिटी में चाहिए। अब देखते हैं ओरेकल कार्ड्स, क्या ही तुमने जाना है मुझे। तो अगर राइट नाउ ये सो नहीं पा रहे हैं या फिर आपकी याद में बेचैन हैं तो उनके मन में ये सवाल आ रहा है, आपको क्लियरली उन्हें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। आप उनके दिल का अगर हाल समझते हैं तो आपको पता होगा कि ये किस तरह से तड़प रहे हैं या फिर इनकी हालत क्या है। तो कई सारी इनकी बातें हैं जो ये बताना पसंद नहीं कर रहे हैं, उनको ऐसा लगता है कि आप समझ जाएंगे या फिर आपको समझ के लेनी पड़ेंगी। नेक्स्ट है यूँ ही नहीं तेरा हाथ थामा। तो यहाँ पे आपके साथ की बात आ रही है और अगर ये पर्सन ज़िंदगी आपके साथ बिताना चाहते हैं तो मन ही मन में राइट नाउ ये यही सोच रहे हैं कि मैंने यूँ ही नहीं तुम्हारा हाथ थामा है, मतलब ज़िंदगी भर ये आपका साथ छोड़ने वाले नहीं हैं भले ही आप दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हों या नहीं। फिर है इंतज़ार करो, शायद आपने इनको समझा दिया है थोड़ा सा वेट एंड वॉच की एनर्जी में रहने का, या फिर जैसे ये कार्ड हमें बता रहा है कि ये खुद को समझा रहे हैं थोड़ा सा इंतज़ार करो, तो शायद ये किसी प्लान के साथ आपकी तरफ आने वाले हैं लेकिन आपको दिल ही दिल में यही बोलना चाहते कि बस थोड़ा सा ही अब इंतज़ार है हम दोनों का साथ आने के लिए। नेक्स्ट है वापस आना अब मुमकिन नहीं। तो कुछ लोगों के साथ ये भी हो सकता है कि कुछ हद से ज़्यादा ये रूठ गए हैं और इनको ऐसा लग रहा है कि अब आपने अगर इनको मनाने की कोशिश नहीं की तो ये भी दोबारा आपके ज़िंदगी में लौट के आने वाले नहीं हैं। जो लोग एक्स बन चुके हैं या फिर ब्रेकअप वगैरह हो चुका है उनकी तरफ से ये मैसेज हो सकता है। नेक्स्ट है आंसू ना रुके। तो जैसे कि मैंने कहा इमोशनल होके इस तरह के भी शायद जज्बात इनके दिलो दिमाग में आ रहे हैं, क्योंकि शायद कुछ लोग हैं जो काफ़ी ज़्यादा रो रहे हैं, तड़पता है इंसान तो ऑब्वियसली कभी कभार आंसू भी निकल आते हैं और यहाँ पे इनके आंसू तो रुक ही नहीं रहे हैं। इतना ज़्यादा अगर ये आपको मिस कर रहे हैं तो आपको कैसे समझाए कि इनकी हालत क्या हो रही है। फिर है अब तुम्हारी बारी टेक एक्शन। तो आपकी तरफ से कोई गेस्चर चाहते हैं, भले ही कुछ बात करो, कुछ मैसेज करो, कॉल करो, लेकिन कुछ तो कहो ऐसा उनका मन कह रहा है और आपकी तरफ से क्या एक्शन होता है ये जानने में वो इंतज़ार कर रहे हैं। फिर है तेरी ख्यालों में खोया हूँ। तो जैसे ये कार्ड ही सब कुछ बता देता है, जैसे ये चांद को देख के भी मैंने कहा था कि आप ही के ख्यालों में खोए हैं और ये कार्ड भी कन्फर्म करा रहा है कि आपको काफ़ी ज़्यादा मिस किया जा रहा है। फिर है मन में है कई सवाल। तो आपकी रातें कैसे गुजरती हैं, आपने आगे के बारे में क्या सोचा है, घर वाले कब मान जाएंगे, अगर वो नहीं माने तो क्या होगा, कितना ज़्यादा आपको इनकी याद आती है, ऐसे कई सारे अनगिनत सवाल इनके मन में हैं और उन सवालों के जवाब जानने में इंटरेस्टेड हैं। इनका मन तो यही कर रहा है कि अभी बस इसी वक्त आपको कॉन्टैक्ट करें और इन सवालों के जवाब किसी भी हालत में पूछ लें, लेकिन खुद को समझा रहे हैं ना कि बस थोड़ा सा इंतज़ार करो। तो वही
बातें अपने आप को समझा रहे हैं, जिसकी वजह से शायद और भी ज़्यादा इनको रोना आ रहा है कि अभी भी मैं ही रुकूँ या मैं ही इंतज़ार करूँ। और फाइनल कार्ड है पुरानी मुलाकातें। तो आप दोनों ने जो भी साथ में वक्त बिताया है वो पल इनको ट्रिगर कर रहे हैं, उन्हीं पलों में ये खोए हुए हैं। और जब एहसास होता है कि वो तो पुरानी मुलाकातें थी, अभी रिसेंटली तो आप उनसे मिले भी नहीं हैं, या फिर हाल ही में आपका अगर कुछ झगड़ा हुआ है, तो वही बातें इनको हद से ज़्यादा ट्रिगर कर रहे हैं, जिस वजह से भी शायद ये इस तरह से रो रहे हैं या तड़प रहे हैं। अब देखते हैं इस ओरैकल में से हमें क्या मैसेज मिलता है। साइकिल एंड रिदम्स, ऑनर द साइकिल ऑफ योर बॉडी, एनर्जी लेवल्स एंड इमोशंस। तो यहाँ पे जैसे इमोशंस की भी बातें आ रही हैं, हम सबके अंदर इमोशंस होते हैं, जैसे सिर्फ लड़कियां ही रोती है ऐसा नहीं, मेल पर्सन को भी इमोशंस होते हैं, उनके भी दिल को चोट पहुंचती है, तो उनकी भी आंखें छलक पड़ती हैं। हमारे पापा तो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, कई बार हमने देखा है छोटे छोटे टीवी सीन्स देखते हुए भी वो रो पड़ते हैं। इसका मतलब यही है कि सॉफ्ट हार्टेड मेल पर्सन भी होते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ फीमेल पर्सन ही रोती वगैरह है। तो ये कहीं ना कहीं इमोशनली काफ़ी ज़्यादा आपसे कनेक्टेड हैं, जिस वजह से अपने ही मूड के रोलर कोस्टर पे ये खुद को संभाल नहीं पा रहे हैं। और कहीं ना कहीं एनर्जी लेवल भी उनकी ऐसी है कि ये अपने आप को बैलेंस नहीं कर पा रहे, और इसीलिए उनको ऐसा लग रहा है कि कोई तो चाहिए मेरे जज्बातों को समझ के लेने के लिए, मुझे सहारा देने के लिए, मेरे इमोशंस हैंडल करने के लिए, या फिर जब ऐसे अकेलेपन में ये तड़पते हैं तो इनको ये दिलासा दिलाने के लिए कि डोंट वरी मैं हूँ तुम्हारे साथ। तो यही सब बातें याद करके और भी ज़्यादा आपको मिस किया जा रहा है। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है, आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए, मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। एनीवेज अमिताज बहुत ज़्यादा थक गया था, दोपहर को भी बहुत ज़्यादा काम किया था उसने, गाड़ी का वगैरह भी काम था और काफ़ी अदर काम्स भी थे, तो इस वजह से वो सो गया है, इसलिए आज ये रीडिंग मेरे पास है। होप यू ऑल लाइक इट। एनीवेज मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।